दोस्तों, ये आप अक्सर सुने होंगे कि ट्रेडर बनना आसान नहीं है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत है, बहुत सारे पैसा का ज़रूरत है। ट्रेडिंग में अक्सर लोगों को लॉस होता है। ट्रेडिंग बहुत ही हार्ड है, सब नहीं कर सकता है, ये आप सुने होंगे। लेकिन ये एक्चुअल में ये सच नहीं है, सच में बता रहा हूँ, एक्चुअल में सच नहीं। लोग सब जितना बता रहे कि ट्रेडिंग बहुत ही हार्ड है, ट्रेडिंग सब सीख नहीं सकता है, ये ट्रेडिंग करना अमीरों का काम है, ट्रेडिंग में अक्सर लोगों को लॉस होता है, ये आप सुने होंगे, अक्सर लोग बताते हैं। ये मैं इसको रियल में मानता नहीं हूँ। इसके लिए ये भी आप सुने होंगे, लोग बोलते हैं कि यार ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे कैपिटल का ज़रूरत होता है, बहुत सारे पैसा का ज़रूरत है, और लॉस सब करते हैं, सब बर्बाद हो जाते हैं। देखो, बर्बाद होते हैं, बर्बाद कौन होते हैं, वो इंसान खुद होता है। ट्रेडिंग की वजह से कोई इंसान बर्बाद नहीं होता, इंसान खुद बर्बाद होता है लालच की वजह से, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। आज मैं आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ये 8 चीज़ आपको बोलूँगा सीखने के लिए। ये 8 चीज़ आप सीख लोगे तो मैं गारंटी बोलता हूँ आप बहुत ही जल्दी ट्रेडर बन जाओगे, बहुत जल्दी ट्रेडिंग के बारे में सीख जाओगे। ये 8 चीज़ मैं आपको बोलूँगा सीखने के लिए। इसके लास्ट में आपको बोलूँगा ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करने के लिए। बोलते हैं ना अक्सर लोग ट्रेडिंग में लोग लॉस करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो किस वजह से बर्बाद होते हैं? क्योंकि वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप सब कुछ सीख भी लेंगे ना ट्रेडिंग में, अगर रूल्स आप फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर भी आपका लॉस होगा। तो पहले हम आपको ये 8 चीज़ ऐसे क्या सीखना है, ये ज़रूरी है, ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं ना ट्रेडिंग सीखना आसान नहीं, ये कर लो ये कर लो, ऑप्शन चेन पढ़ लो, ये कर लो ये डाटा वगैरह वगैरह। जो न्यू ट्रेडर मार्केट में, जो न्यू बिगिनर मार्केट में आता है ना, उसको डरा देते हैं, और वो डर से भी बहुत ऐसे लोग छोड़ देते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आने वाला, मेरे बस की बात नहीं है। ये ऐसा होता अक्सर, मेरे साथ भी होता। मैं भी स्टार्टिंग में, मैं जब ऐसा कोई समझाने वाला नहीं था, तो मुझे 1 साल 2 साल मैं देखता भी था तो मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन कोई रीज़न बताता ही नहीं था कोई बंदा कि यार ट्रेडिंग सीखने के लिए है क्या, क्या सच में ट्रेडिंग हार्ड है? तो मेरे भाई नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, लेकिन कोई जल्दी बताता नहीं। तो मैं आपको बताऊंगी ये 8 चीज़ आपको क्या सीखना है। ये सीखने के बाद आपको लास्ट में आपको बोलूँगा ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करने के लिए, जिसकी वजह से लोग लॉस करते हैं। अगर रूल्स को फॉलो करेंगे ना, तब हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि यार ट्रेडिंग में, देखो ये बात सच है, ट्रेडिंग में लॉस होते हैं, होगा भी। लेकिन आप सोचोगे मैं ट्रेडिंग, जो बंदा सीख भी लेता है ना ट्रेडिंग, तो चाहते हैं मुझे रेगुलर ही प्रॉफिट चाहिए, रेगुलर कमाने के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाता है। तो भाई मैं ये सच बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में रेगुलर पैसा कभी नहीं बनेगा। आप सोचोगे मैं ट्रेडिंग में मतलब वीक में पूरा वीक मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए, कभी लॉस ही नहीं होना चाहिए, तो मेरे भाई फिर आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, लॉस होगा, ये गारंटी है, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग के मान लो कि आज लॉस हो भी जाता है ना, तो चाहते कि मेरा लॉस क्यों हुआ, रिकवर आज ही करना है, और रिकवर के चक्कर में इसका जो भी प्रॉफिट रहता है ना, वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और पूरा कैपिटल को जीरो कर लेते हैं। जिस दिन अपना लॉस को आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, उसी दिन आप ट्रेडर बन जाओगे। देखो, सब दिन आपके हाथ में नहीं है, किसी दिन मार्केट साइड वे रहता है, और जिस मार्केट ऑलरेडी वीक में 3 या 4 दिन साइड वे ही रहता है, तो लॉस होंगे, और उसको रिकवर के बारे में सोचेंगे तो और भी लॉस होंगे। तो जिस दिन लॉस होता है ना, उससे उस दिन आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल फिर अगेन एक ट्राई करूँगा। आप चाहो कि मैं ट्रेडिंग में रेगुलर पैसा कमाऊँगा, पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। आप हमारे इंडिया के बहुत बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर है, पावर ऑफ स्टॉक, आपको बिलीव नहीं होता है, नंबर 1 बहुत अच्छा ट्रेडर है, लाखों ने करोड़ों में प्रॉफिट करते हैं, उसका आप प्रॉफिट लॉस देखना आप, कि मैं भी उसको फॉलो करता हूँ, इस रेगुलर प्रॉफिट नहीं करते सर, बहुत उसको देखे रेड आपको देखना, प्रॉफिट लेना बहुत ही रेड आपको दिखेगा, तो लॉस वो कम करते हैं, और लॉस को एक्सेप्ट भी करते हैं कि चलो ठीक है लॉस हो गया, एक्सेप्ट करते हैं वो लॉस हो जाता है तो। लेकिन आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में, वो लॉस का देखिएगा आप, प्रॉफिट लॉस का बहुत लॉस दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी वो मंथ में करोड़ों में इसका प्रॉफिट रहता है। क्यों? क्योंकि वो रूल्स को फॉलो करता है, वो जानता है सर अच्छे से कि हमेशा हमको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, हम हमेशा मार्केट से हम चाहिए कि मुझे हमेशा हर रोज़ मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे, तब तो आप कभी ट्रेडर नहीं बनोगे। तो चलिए शुरू करते कि क्या ऐसे सीखना ज़रूरी है। तो देखो, बोलते हैं लोग कि यार ट्रेडर बनना आसान नहीं है, ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तो मेरे भाई मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, बस ये सीख जाओ आप, वही बड़े लोग ट्रेडर है वही लोग फॉलो करते हैं, और कुछ भी, ये आप देख रहे हैं ना, यही सीखना, और कुछ भी ज़्यादा
कुछ सीखना नहीं है। अब मार्केट में आप बराबर होगे ना, ये सीखने के बाद आप ट्रेड करो। अब मार्केट में बराबर होगे तो धीरे धीरे अपने आप आपका नॉलेज गेन होगा, ये आप जान लो। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन के बारे में जानकारी लेना है, ये सीखना है। देखो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कई सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। मैं आपको अगर मेरे पास अगर पूरा वीडियो नहीं देगा तो मैं आपको चैनल का नाम भी बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन आपको सीखना है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन पर ट्रेड कैसे लेते हैं, ये ऑलरेडी मेरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ये आपको मास्टर, इसमें आपको मास्टर बनना है मेरे भाई। लास्ट में आपको ट्रेडिंग रूल्स के बारे में बताऊंगा, पहले आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन में क्या करना है, मास्टर बनना है। इससे ये पता चलेगा कहाँ कहाँ पर बायर एड करना है, कहाँ बायर एड हो रहा है, कहाँ पर सेलर एड हो रहा है, कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ डिमांड है, कहाँ सप्लाई है। तो ये आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन के बेस पर ही पता चलेगा कहाँ बाई करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए। तो ये आप सीख लोगे तो रेजिस्टेंस आपको ये जान लोगे तो यहाँ पर आपको कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। उस पर ऑलरेडी मेरा प्लेलिस्ट वीडियो बना है, लेकिन लोग पूरा डिक्लियर बताता नहीं कि क्या क्या सीखना ज़रूरी है। दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई जोन। देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन को ही डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं, लेकिन जोन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मतलब आप देखते होंगे जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये देखिए बार बार मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो कभी कभी मार्केट यहाँ से भी नीचे गिर जाता है, कभी कभी यहाँ से गिर जाता है। तो एक जोन बनाया जाता है जिससे आप क्या है कि फेक ब्रेकआउट से आप बचे रहोगे। जैसे मैं रेगुलर एनालिसिस लेवल वीडियो देता हूँ तो जोन बना के देता हूँ कि इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, जिससे आपको फेक ब्रेकआउट से आप बचे रहोगे, ये आपको फ़ायदा है। तीसरा है कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप पूरा अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पुष्कर राज ठाकुर सर का एक यूट्यूब चैनल है, आपको लोगों को शायद पता होगा। तो इसका कैंडलस्टिक का तीन तीन या चार वीडियो होगा फुल कोर्स का, वो पूरा वीडियो आप देख लो। एक बार में समझ में हो सकता नहीं आएगा, दो बार देखो, तीन बार देखो, लेकिन पूरा बढ़िया से सीख लो कैंडलस्टिक पैटर्न का, कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, ब्रेकआउट कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बेरिश कैंडल, क्योंकि हर एक कैंडल का यहाँ पे जितना भी कैंडल आप देख रहे हैं सभी कैंडल का नाम है। तो कौन सा बुलिश कैंडल, कौन सा बेरिश कैंडल है, तो ये आप अगर मेरे चैनल पर भी मिल सकता है, मिल जाएगा। उस पर मैं और भी डिक्लेयर और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा आगे जाके। लेकिन और भी आप अच्छे गहरा से सीखना चाहते हैं तो पुष्कर राज ठाकुर का यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में यही से सिखाता हूँ, बहुत अच्छा सिखाते हो। तो वहाँ का वीडियो आप देखो, देख लो। देखो मैं जो हकीकत जो दिल में है, जो मैं सही से सीखा हूँ, कहाँ कहाँ से सीखा हूँ, वो मैं आपको डिक्लियर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो बंदा रियल में अच्छे से सिखाता तो उसको बताना ज़रूरी है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका लॉस हो। इसके बाद आपको चार्ट पैटर्न भी सीखना, तो चार्ट पैटर्न भी आपको पुष्कर राज ठाकुर सर वो भी बहुत अच्छे से, इसके पास में आपको तीन चार वीडियो मिलेगा, तो आप चार्ट पैटर्न का वीडियो उसको भी देख लेना, कोर्स मिलेगा, उसमें आपको मास्टर बनना है। इसमें आप चार्ट पैटर्न का नाम जानना पड़ेगा कि हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, बहुत सारे आपको चार्ट पैटर्न मिलेंगे। इस बेस पे कैसे एंट्री लेता है, चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़्यादा आपको मार्केट में दिखेगा, तो चार्ट पैटर्न में आपको मास्टर बनना है। इसके बाद आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे करना है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है, कौन सा रियल ब्रेकआउट है, तो इस पर मेरा ऑलरेडी बहुत सारे मेरा वीडियो है, आप देख लेना, और बराबर मैं डालता भी रहता हूँ, तो इससे आप पता चल जाएगा आपको मेरा रियल ब्रेकआउट कौन सा है, फेक ब्रेकआउट कौन सा है, इससे आपको पता चल जाएगा। मेरा यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आप कोई ट्रेड लेते हैं जिसमें आपको कितना रिस्क हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना आप रिस्क लेके इसमें ट्रेड ले रहे हो। जैसे आप कोई ट्रेड ले तो आपको पहले रिस्क पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मेरा 1000 रुपया का लॉस हो सकता है, तो मेरा 1500 या 2000 रुपया भी कमाना है। तो उसको लास्ट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बोलते हैं, तो हम आगे जाके वो डिस्कस करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। इसके बाद देखियो मनी मैनेजमेंट के आपको फॉलो करना। आठ में मनी मैनेजमेंट की, जैसे कि आपके पास जितना कैपिटल है 1 लाख कैपिटल, तो कभी भी 1 लाख कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है, हमेशा उसको 10 भाग 5 भाग करके ट्रेड करना है, कभी भी पूरा कैपिटल से आपको ट्रेड नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना आपको। ये आपको आठ चीज़ सीखना है। बोलेंगे भाई साइकोलॉजी, साइकोलॉजी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। हाँ इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, कब इंपॉर्टेंट, कब आपको इम्प्रूव होगा ना, जब आप कम क्वांटिटी से बराबर ट्रेड करोगे ना, बराबर मार्केट में रहोगे, बराबर ट्रेड करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन कम क्वांटिटी से, याद रखना, ठीक है। ये सीखने के बाद आप इस बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो या खुद का अपना स्ट्रेटजी भी बना सकते हो, ठीक है।
ये आपको सीखने के बाद लास्ट में आपको क्या बनना है, एक रूल्स बनाना है। ट्रेडिंग रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो बिना रूल्स का इस मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे। ये अगर आप जान भी गए ना सब ये, और फिर भी आप सब सीख भी गए ना, फिर भी आप ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर भी आपका लॉस होने वाला है। तो ट्रेडिंग रूल्स कैसे फॉलो करना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बिना सेटअप का कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ये आप लिख भी लो। मैं से यहाँ पर बता देता हूँ कि बिना सेटअप का आपको ट्रेड नहीं करना है, मतलब कोई भी आपको स्ट्रेटजी होना चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन पर आप ट्रेड करो या ट्रेंड लाइन पर सब ट्रेड करो, एक सेटअप ही हो गया। तो चार्ट पैटर्न को देख के ट्रेड करो या ब्रेकआउट को देख के ट्रेड करो, ये एक सेटअप हो गया। तो बिना सेटअप या बिना स्ट्रेटजी के कभी भी गलती से ट्रेड आपको नहीं लेना है, ये आपको ट्रेडिंग रूल्स नंबर वन हो गया। दूसरा कि हमेशा आपको रिस्क मैनेज लॉस फिक्स करके ट्रेड करना है, मतलब ये है कि कभी दूसरा ये होगा कि ट्रेडिंग करने से पहले आपको लॉस पता होना चाहिए, इस ट्रेड में मुझे आज कितना ट्रेड करने वाला हूँ या इस ट्रेड में मेरा कितना लॉस हो सकता है या प्रो डे में आप कितना लॉस करने वाले। तो पहले लॉस फिक्स आपको पता होना चाहिए कि आज मैं टोटल 1,000 रुपये या 2,000 का लॉस करूँगा, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा और मुझे कमाना है 3,000 4,000 रुपये मुझे कमाना है। ये आपको ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि 1:2 या 1:3 भी रख सकते हैं कि मुझे 1,000 रुपये आज कमा लॉस करना है तो 2,000 या 3,000 कमाना है। तो पहले आपको लॉस रेगुलर फिक्स करना पड़ेगा, अगर लॉस फिक्स नहीं करोगे ना आप तो आप कितना वहाँ पे आपको ट्रेडिंग करते समय ना अगर आपका लॉस हो जाएगा ना तो वहाँ पे आपका माइंड सेट काम नहीं करेगा, आप क्या करोगे लॉस को रिकवर के बारे में सोचोगे, उस टाइम आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, आप गलती पे गलती गलती पे गलती गलती पे गलती करते चले जाओगे, आप पूरा कैपिटल आपका जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमें आपको लॉस फिक्स रहेगा कि मुझे आज पर डे या 1,500 या 1,000 रुपया लॉस करना है। तो आपको जब भी आपको इतना लॉस दिख रहा है चुपचाप उस दिन आपको क्या करना है, सिस्टम बंद कर देना है, गलती से आपको ओपन नहीं करना है। अगर प्रॉफिट भी अपने हिसाब से देखो, प्रॉफिट मार्केट के हाथ है, प्रॉफिट लॉस हमारे हाथ में, हम लॉस कितना कर सकते हैं, ठीक है, लॉस हमारे हाथ में है कि लॉस हम कितना कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं, मार्केट जितना दे सकता है। तो प्रॉफिट आप 1:2 का अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉस आपको हमेशा फिक्स करना है। तीसरी कि आप ट्रेडिंग फिक्स कर लो कि मुझे जैसे जैसे फर्स्ट हो गया बिना सेटअप का ट्रेड नहीं करना है, तो तीसरा में आपको क्या करना है कि मुझे एक या दो ट्रेड करना है, या तो एक ट्रेड करूँगा या तो एक ट्रेड करूँगा या तो मुझे दो ट्रेड करूँगा पर डे, या दो या तीन अपने हिसाब से, एक या दो ट्रेड करो कि अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया तो एक दूसरा ट्रेड भी करूँगा, अगर दूसरा ट्रेड में भी लॉस हो गया तो गलती से कोशिश करो कि तीसरा ट्रेड ना करें स्टार्टिंग में अगर बिगिनर हो तो, क्योंकि आप दो ट्रेड में लॉस हो गया तो तीसरा ट्रेड में भी अगर चांस हो तो लॉस हो सकता है। उसी प्रकार अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 1,000 रुपया कमाया, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं एक और ट्रेड करूँ, तो आपको 1,000 रुपया में से पूरा पूरा गलती से पूरा 1,000 रुपया को रिस्क लेके ट्रेड नहीं करना है, इसमें आपको 500 का रिस्क ले लो या 300 400 का रिस्क ले लो। अगर मान लीजिए 500 का रिस्क ले लिया कि तब तो आपको 500 रुपया कम से कम आपको घर लेके जाना है, एनी हो पूरा रिस्क नहीं डालना है। चलो अगर 500 रुपया आप रिस्क लेकर ट्रेड कर रहे हो तो अगर 500 रुपया बन गया तो बहुत अच्छा बात है, अगर 500 रुपया आपका लॉस हो गया ना तो गलती से आप नेक्स्ट ट्रेड ना करें, जो भी लॉस हो वो भी आपका जो भी प्रॉफिट में आप रहेगा, आप चाहोगे ये 500 रुपया लॉस हो गया है कम से कम ये रिकवर कर लेता हूँ, ऐसा होता है सभी के साथ मेरे साथ भी, तो आपका जो भी प्रॉफिट था 500 रुपया बचा था वो भी लॉस होगा और कैपिटल में से भी आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा फिक्स करो कि दो ट्रेड ना करें, एक या दो ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है, इससे ये होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से मार्केट में सबका लॉस, 99% लोगों को लॉस होता है ओवर ट्रेडिंग की वजह से, आप बिना सेटअप का ट्रेड नहीं लेने से। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको ट्रेड आप फिक्स कर लेना है कि कितना लॉस करना है, और ट्रेड है ना ट्रेडिंग में बोला ना एक या दो ट्रेड करना है, तीसरा में एक या दो ट्रेड करना है, उसके बाद आपको गलती से ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना है मेरा भाई, स्टॉप लॉस टारगेट आप लगाओ आपके हाथ में है, आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन स्टॉप लॉस आपको आपके हाथ में रहना चाहिए हमेशा, स्टॉप बिना स्टॉप लॉस का आपको ट्रेड गलती से नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप ट्रेड ले लेते हो तो अपना स्टॉप लॉस या टारगेट भी लगा लो। इसके बाद आपको फोर्थ में क्या करना है, लगा लो आपका जो प्रॉफिट लॉस दिख रहा है ना वो आपको नहीं देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस आप देखते होंगे ना कि जहाँ 500 1,000 रुपये प्रॉफिट दिखता होगा
तो आपको प्रॉफिट लॉस गलती से आपको नहीं दिखना है, क्योंकि जब प्रॉफिट लॉस आप दिखोगे ना तो आपका साइकोलॉजी वर्क नहीं करेगा। जहाँ आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखता होगा वो घट के 500 रुपये आ जाएगा ना, तो आपका डर होने लगेगा बहुत ज़्यादा। जो आप टारगेट लगाए होंगे, जो आप स्टॉप लॉस लगाए होंगे ना, तो वहाँ तक आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे ना। टारगेट तक होल्ड कर पाओगे ना, स्टॉप लॉस तक होल्ड नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, बीच से एग्जिट मार लोगे। आप ये सोचोगे यार जो प्रॉफिट दिख रहा है वो भी लॉस में कन्वर्ट ना हो जाओ। देखो ट्रेड ले लेते हो ना जो कोई भी सेटअप के साथ, तो समझ लो या तो ये मेरा लॉस हो सकता है, या तो मेरा स्टॉप लॉस चाहिए, या तो मुझे टारगेट चाहिए। इसके बीच में आपको कुछ नहीं सोचना है, हमेशा या तो स्टॉप लॉस लगे या टारगेट। तो आपको इसलिए स्टार्टिंग में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाना है। तो आप कैसे लगाएंगे, सेटअप के साथ ट्रेड करोगे तब, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है फोर्थ में। अब फाइव में आपको कभी भी गलती से, मैं क्या बोला, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना मेरा भाई। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रेडर के लिए। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। तो गलती से ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग आप कब नहीं करोगे, जब अपना ट्रेड फिक्स कर लो कि मुझे आज 2 या 3 ट्रेड करना है, या लॉस फिक्स कर लो कि मुझे आज 1500 या 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। उससे ज़्यादा लॉस उसके आसपास या उसके उस 1500 2000 का लॉस हो गया, उसके बाद हमको ट्रेड उस दिन लेना ही नहीं है, याद रखना। तो क्या करना है, मैं अगेन बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको रूल्स देख लो, बिना सेटअप का आपको ट्रेड नहीं करना है। दूसरी बात, लॉस फिक्स कर लो कि कितना लॉस करना है। तीसरी बात, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओवर ट्रेडिंग गलती से नहीं करना है। एक या दो ट्रेड करना है, फिक्स कर लो कि मुझे एक ट्रेड करना है या दो ट्रेड करना है। उसके बाद फोर्थ में, पोजीशन साइज की वजह से बहुत ऐसे लोग का साइकोलॉजी है ना इम्प्रूव नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में आपको पोजीशन साइज बहुत ही कम रखना है, बहुत ही कम रखना है। एक लॉट से पहले ट्रेड करो, एक लॉट से आप बराबर में 3 महीना ट्रेड करो, 3 महीना लगातार प्रॉफिट में, तो 1 से 2 लॉट करो। लॉट है ना धीरे धीरे बढ़ाना मेरे भाई, ये हमेशा याद रखना। सोचो कि आज ही मैं 50,000 कमा लूंगा ना, तो आज ही आप 1 लाख रुपया लॉस भी कर लोगे। बहुत ऐसे लोग बिना सोचे समझे लॉस पोजिशन साइज बढ़ा लेते हैं। तो आपको पोजिशन साइज देखो धीरे धीरे, देखो कम ही कमाना है, लेकिन क्या है कि सब कुछ सीख के कमाना है। तो धीरे धीरे कमाना है, पहले 1 लॉट से पैसा कमाओ, फिर 2 लॉट से फिर ट्रेड करो, उससे पैसा कमाओ, फिर 3 लॉट, धीरे धीरे लॉट बढ़ाना, अचानक मत बढ़ाना। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, अगर सेम लॉट से रेगुलर ट्रेड करना, सेम ही लॉट से किसी दिन, मतलब ये नहीं कि आज 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, कल 200 से कर लेंगे, परसों 500 से कर लेंगे, तो फिर आप ट्रेडिंग में कभी सफल नहीं बनोगे। अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो रेगुलर सेम सेम ही से करना है, चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। 100 से करते हो 100 ही करना है, आपको चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं, हमेशा याद रखना। तो ये आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप बहुत ही जल्दी ट्रेडर बन जाओगे, बहुत ही जल्दी। पहले ये सीख लो, एक बार ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करो कि आपको बिना सेटअप को ट्रेड नहीं करना है, लॉस फिक्स कर लो, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको पता रहना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग गलती से नहीं करना है, और आपको पोजीशन साइज रेगुलर धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले प्रॉफिट में बराबर 1 साल ये 6 महीना आपको एक क्वांटिटी से प्रॉफिट में आ रहा है, तब धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो प्रॉफिट के पैसा से रिस्क लोगे ना, तब आप ट्रेडर बनोगे, ये हमेशा याद रखना। देखो दोस्तों, ये बात कोई किसी को नहीं बताता है, और मैं ट्रेडिंग का पूरा कहानी आपको बताऊंगा ना तो कम से कम 4 घंटा का वीडियो बनेगा। तो ये आप सीख लोगे, ये सीखने के बाद आप जो मैं रूल्स बताए उसको फॉलो करो, फिर आप मुझसे 6 महीना बाद इंस्टाग्राम पे या कहीं पे कॉल करना मुझे कि संजीव भाई यार सच में मेरा लाइफ बदल गया, या ना बदला तो फिर मुझे बताना। बोलते हैं लोग यार ट्रेडिंग सीखनी आसान बात नहीं है, ये है वे है, पहले आप ये सीख लो, सीखने के बाद ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बहुत ही कम समय में आप ट्रेडर बन जाओगे, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। बहुत ऐसे ये भी बोलते हैं कि यार ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे कैपिटल चाहिए, मैं नहीं मानता यार, मैं नहीं मानता। अगर 10,000 को आप 10,000 से भी ट्रेड करते हो ना, तो 10,000 को भी अगर आपके नॉलेज है ना, तो 10,000 को भी 1 लाख कर सकते हो मार्केट में। लेकिन आपका नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो आप 1 लाख कैपिटल को सेकेंडों में जीरो कर लोगे। तो मैं पैसा इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ ट्रेडिंग के लिए। 10,000 आपके पास 20, 30, 40,000 भी है ना, तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो।
लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। पहले पहले नॉलेज पर काम करो। पैसा पहले देख, बोलते हैं ना पहले सरस्वती माता को ग्रहण करो अच्छे से, लक्ष्मी माता अपने आप आपके पास आ जाएगा। पहले नॉलेज गेन करो तो पैसा तो आ ही जाएगा। तो पहले सरस्वती माता पर फोकस करो, सीखने पर ध्यान दो, उसके बाद लक्ष्मी माता तो अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये आप फॉलो करते तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप बहुत ही जल्दी ट्रेडिंग में सफल बन जाओगे। अगर नहीं बनना तो फिर मुझे कमेंट, नहीं बना तो मुझे कमेंट करना 6 महीना बाद, और उसको फॉलो करके बताओ मुझे। वीडियो अच्छा लगा जो लाइक एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय, टेक केयर दोस्तों।